हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज मैं आपको मड़ुए का हलवा या रागी का हलवा बनाने की विधि बताने जा रही हूँ। बनाने के लिए मैंने एक कटोरी रागी का पाउडर और करीब आधा कटोरी घी, एक कटोरी से थोड़ा सा कम चीनी लिया है और तीन चार इलायची को कूट के मैंने रख लिया है। और मैंने कढ़ाई में करीब एक चम्मच घी गरम होने के लिए चढ़ा दिया था, उसी में मैंने मड़ुआ या रागी के आटे को मैंने डाल दिया। ये देखिए, उसे डालकर हम लोग भूनेंगे अच्छी तरह से, उसका कलर चेंज होने तक हम लोग भूनेंगे। देखिए, थोड़ा बहुत कलर चेंज हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा और भुनना बाकी है। हम लोग धीरे धीरे और इसे भूनेंगे। ये देखिए, अब इसका कलर आ गया है और इसका सुगंध भी चारों तरफ से फैल गया है। अब हम लोग इसमें घी डालेंगे। ये देखिए, मैंने पूरा घी नहीं यूज़ किया, करीब दो चम्मच के करीब घी का यूज़ किया। ये देखिए, घी से पूरा मेल्ट हो गया अच्छी तरह से। अब हम लोग इसी समय चीनी डालेंगे। मैंने करीब 100-150 ग्राम तक का चीनी का यूज किया है। अब हम लोग एक कटोरी पानी डालेंगे, आधा कटोरी से भी थोड़ा सा कम पानी और थोड़ा सा डालेंगे हम लोग, और डालकर जल्दी जल्दी मिलाएंगे। देखिए, थोड़ा सा और डालेंगे, जल्दी जल्दी मिलाएंगे इसे। हमारा हलवा लगभग तैयार ही हो चुका है, बस इसे मिक्स करना है हमें। और पानी को मिक्स करके और अब हम लोग इसे भूनेंगे थोड़ी देर। अब इसमें एक कुटी हुई इलायची को डाल देंगे। आप चीनी की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। ये मैं हल्का चीनी बना रही हूँ, ये कम मीठा हलवा है। आप थोड़ा सा और चीनी डाल सकते हैं मीठे के लिए। ये बहुत ही पौष्टिक होता है रागी का हलवा। आफ्टर डिलीवरी भी लेडीज लोग को दिया जाता है, जिससे उनके शरीर में ताकत बढ़ती है। और ये छोटे बच्चे को भी आप दे सकते हैं, बहुत ही पौष्टिक है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये देखिए, हमारा हलवा एकदम तैयार हो गया। ये देखिए, अब हम लोग इसे प्लेट में फैला देंगे। ये देखिए, चम्मच की सहायता से हम लोग इसे फैला देंगे अच्छी तरह से। बहुत अच्छा हलवा तैयार हुआ है। अब इसे हम लोग मनपसंद आकार में काट के, इतना चीनी बच गया है, हलवा तैयार है। आप इसे मनपसंद साइज या आकार में काट लीजिए। आप चाहे तो ऊपर से बादाम या काजू पिस्ते से गार्निशिंग कर दीजिए। गार्निशिंग किए, देखिए कितनी सुंदर लग रहा है। यह बहुत ही पौष्टिक है। पितृ व्रत के एक दिन पहले बनाया जाता है और मैंने भी इसीलिए बनाया है। मैंने जित पितृ व्रत किया है, दिन पहले का भोजन है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।